तीनों भाई जो है शिव की ही भक्त है, और कहते हैं हमारे मृत्यु हो तो शिव के हाथों से हमारा मृत्यु हो। ब्रह्मा तथास्तु कहे और वहां से अंतर ध्यान हो गए। वर पाते ही त्रिपुरा जो है आतंक फैलाना शुरू कर दिए, तीनों लोक को अपने बस में कर लिए। इंद्र लोक, इंद्र को भागना पड़ा, त्राही त्राही के होने लगे। तमाम देवता जाकर ब्रह्मास्त्र निवेदन करा प्रभु, ये त्रिपुरासुर के अत्याचार से, उनके भय से हम इधर उधर छुप रहे, हमारे रक्षा करें, रक्षा करें। ब्रह्मा कहे मैंने उसे वरदान दिया है, उसे मार भी नहीं सकता, और उससे वर मांगा है, भगवान शिव के हाथ उनका मृत्यु है, तो भगवान शिव के पास चले। तमाम देवता और ब्रह्मा जो है भगवान शिव के पास कैलाश में जाते हैं और जाकर के निवेदन करते हैं कि बाबा ये त्रिपुरासुर जो है बहुत आतंक फैला दिए हैं और तीनों लोक में अपने काबिज कर लिए हैं, अधिकार रखा कर लिए हैं, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान भोलेनाथ कहे देवताओं इस समय उसे मार नहीं सकता, क्योंकि मेरे अखंड भजन में लगे रहते मेरे भक्त हैं और अपने भक्तों को मैं मार नहीं सकता। आप एक काम कीजिए, भगवान विष्णु के पास जाइए, वही आप लोग को रास्ता दिखाएंगे, वही रक्षा कर सकते हैं। तमाम देवता जो है भगवान विष्णु के पास गए और जाकर के सभी देवता जो है अस्तुति विनय करने लगे। तमाम देवता की अस्तुति विनय को सुन करके भगवान विष्णु कहते देवताओं घबराओ नहीं, कहीं ना कहीं सुनता हूं रास्ता निकलेगा। तब भगवान विष्णु ने एक नास्तिक शास्त्र का निर्माण किए, नास्तिक पुरुष का निर्माण किए, जिसका सिर मुंडन, हाथ में काष्ठ की पात्र और झाड़ू पकड़ करके भ्रमण करने लगे। उन्हें यज्ञ से विष्णु भगवान ने 16 श्लोक बना करके नास्तिक शास्त्र का निर्माण किए, उसका अध्ययन कराया। फिर उसी नास्तिक शास्त्र के प्रभाव से ये त्रिपुरासुर का जो है बुद्धि विकृत होने लगा। तब भगवान जो है हरियन के नाम से अवतार लिए, भगवान विष्णु जो है हरियन के नाम से एक अवतार लिया और त्रिपुरा के ऊपर जो है माया फैलाना प्रारंभ कर दी। उनका मति जो है भ्रष्ट होने लगा, अब पापाचार उनका बढ़ने लगा, भ्रष्टाचार करने लगे। जब उनका अत्याचार बढ़ने लगा, धर्म से हट करके पापाचरण करना जब शुरू कर दिए, तब तमाम देवता भगवान शंकर के पास जाकर निवेदन करा, प्रभु अब इस त्रिपुरासुर से हमें मुक्ति दिलाई जाए। तब भगवान शंकर कहे मैं युद्ध करने के लिए तो जा सकता हूं, लेकिन मेरे पास कोई हथियार नहीं है, न मेरे पास रथ है, युद्ध करने के लिए जाऊंगा। तो विश्वकर्मा ने एक दिव्य रथ का निर्माण किए, सूर्य और चंद्रमा का पहिया बनाए और दिव्य रथ तैयार करके भगवान उस रथ को देवादिदेव को प्रदान किए और तमाम हथियार को ला करके भगवान को दिए। देवादिदेव को उस रथ में चढ़ करके भगवान करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश करते हुए उस युद्ध मैदान में जाकर के ललकारने लगे। तमाम भगवान के देवादिदेव के जितने भी सैनिक थे सभी को त्रिपुरासुर छका दी। तो भगवान देखे ये तो पूर्व सैनिक को मेरे छका दी। तो भगवान शिव ने जो
हुंकार जैसे भरता है, और जैसे ही हुंकार भरा त्रिपुरासुर के जितने भी सैनिक थे जल करके भस्म हो गए। तीनों भाइयों को देखे और देख करके जैसे ही हुंकार भरता है भगवान शंकर, हुंकार भरते ही तीनों लोग तीनों जो है त्रिपुरासुर भस्म हो जाते हैं। जिसमें त्रिपुरासुर का जो है भगवान उद्धार करते हैं उस समय तमाम देवता तुमने बाजा बजाकर फूलों की वर्षा करने लग जाते हैं। ताम उसकी जो माया जो है लुप्त तो हो जाते हैं। इस तरह भगवान शंकर जो है त्रिपुरासुर का भी उद्धार करते हैं, देवताओं को उनके अधिकार का जो स्थान है उसे वापस प्रदान करते हैं। एक बार बृहस्पति और इंद्र जो है कैलाश पर्वत भगवान के दर्शन करने के लिए निकले, तो भगवान औघड़धारी जो है अपने वेशभूषा बदल करके उसी रास्ते में आकर के दिगंबर के रूप में आकर के रुक जाते हैं। उधर से इंद्र और बृहस्पति आए, उस औघड़ रूप भगवान शिव को पहचान नहीं पाए, उसे कहने लगे हो अघड़ भगवान शिव कैलाश में है या कहीं गए हैं। लेकिन भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। फिर इंद्र बोले हो अघड़ दिवाली देव कैलाश में है या कहीं घूमने गए हैं। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र को गुस्सा आया, जैसे ही वज्र को लेकर के मारने के लिए हम इंद्र हैं हमारी आज्ञा के पालन नहीं करते, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करते इंद्र जो वज्र लेकर के भगवान को मारने के लिए जैसे दौड़े, दिवादिदेव उसी समय स्तंभन कर देते हैं। जैसे खड़े हैं वैसे खड़ा रह गए इंद्र। जब उनके क्रोध को जब देखा तो देवगुरु बृहस्पति जाकर उनके चरणों को पकड़ लिए। इंद्र को इशारा किए, इंद्र शरण में आ जा, मैं तो बचने वाला नहीं है। इंद्र भी भगवान देवादेवी के चरणों में आए, मस्तक पटकने लगे। तो देवगुरु बृहस्पति कहे तुम प्रभु आपके जो शरण में आ चुका है उनके अपराध को आप क्षमा कर दी। इंद्र का अपराध को भगवान ने क्षमा किया। लेकिन भगवान ने कहे मैं क्रोध मैं किसमें डालू। तो भगवान शंकर जो है अपने क्रोध को किसमें डाले, सागर में डाल दिए। और जैसे सागर में डाले वहां एक बालक के रूप में उत्पन्न हुआ। उसी समय ब्रह्मा पहुंचे, सागर उस बालक को ब्रह्मा की गोदी में डाल दिया और डालकर कहे महाराज आप इसका नामकरण कीजिए, नाम संस्कार कीजिए। नाम संस्कार जो है पंचम संस्कार है, हमारे 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कार में नामकरण जो है पांचवा संस्कार है। नाम संस्कार करने का मुहूर्त होते हैं और विधान से करना चाहिए, लेकिन आजकल तो ऑनलाइन हो गया है। नामकरण जो है ऑनलाइन घर बैठे महाराज इतने बजे हमारे बच्चे का जन्म हुआ है, कौन से नाम निकलेंगे बताएंगे, क्या बताना ही पड़ेगा, और नहीं बताएंगे तो जजमान नाराज हो जाए। ऐसे नाम संस्कार नहीं करना चाहिए। महाराज को बुला करके विधि विधान के अनुसार जो है नाम संस्कार करना चाहिए, और जिन दिन नाम संस्करण होता है उस दिन अनलगर कार्य नहीं होना चाहिए। हम लोग छठी मनाते हैं, मनाते होंगे चाय पानी नाश्ता व्यवस्था करते हैं,
और जगह जगह हो सकते हैं जीवन सुबह टाइम मानस मंडली को बुलाते हैं, है ना। जैसे मानस मंडली वाले जाते हैं उसके बाद तीसरा नंबर का पार्टी चालू होते हैं और उसी समय ब्रह्मा जी आते हैं देखने के लिए, शुभ अंक लिखने के लिए। जो दिखेंगे तो वही दिखेंगे, है नाम संस्करण होता है उस दिन, केवल भगवत नाम कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। जैसे शुभ लक्षण उसे गृह में दिखते हैं उसी के अनुसार ब्रह्मा जी उनके मस्तक पर लिख देते हैं, है? लेकिन उसके बगैर तो पार्टी पूरा होता है, अधूरे हो जाते हैं, इसलिए हमारा जीवन भी अधूरा हो जाता है। प्रेम सुलतंत्र भगवान के जैसे ब्रह्मा की गोदी में डाले, उस बालक ब्रह्मा जी के गले को पकड़ ले और गले को ऐसे पकड़े कि ब्रह्मा जी के आंख से अश्रु निकल गए। बड़ी मुश्किल से उसके हाथ को छुड़ा। सागर से कहते हैं कि राजन, इस बालक ने मेरे आंख से नेत्र से अश्रु निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। मेरे आंख से अश्रु निकाला है इसलिए इसका नाम जलंधर होगा, बलि के समान बलशाली होगा, कार्तिकी के समान शक्तिशाली होगा, है? समय आएगा दैत्यों का यह स्वामी बनेगा और काल नेमी की जो कन्या है उनके साथ इसका परिणय होगा, विवाह होगा। जैसे ही समय आया, जैसे भगवान कहे थे, ब्रह्मा कहे थे, उसी के अनुसार दैत्य शुक्राचार्य ने दैत्यों का ऐसे राजा बना दिए, मुखिया बना दिए, पद मिल गया। इसके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। ऐसा कोई व्यक्ति जन्म नहीं लिया, पद पाए उसे अभिमान ना हुआ हो, अभिमान आ गया। गंगा के घाट पर जाओगे, थोड़ा ध्यान रखो क्योंकि स्वर्ण ध्यान में रखना। गंगा के घाट पर जाएंगे तो वहां भी एक पेटी मिलता है, तो पेटी में क्या डाले जाते हैं? शिकायत पेटी, इसमें सफाई नहीं हो रहा है, सफाई कराओ। किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां क्या मिलते हैं? दान के। हमरो शिव पुराण में आया है कि हम दान के। जहां भी जाओगे सभी जगह तुम्हें दान पेटी मिलेगा। पृथ्वी पूरी भ्रमण कर लो, कहीं ऐसा नहीं मिलेगा जहां पाप को छोड़ा जाए, पाप का पेटी कहीं नहीं मिलेगा। जहां भी जाओ तो दान पेटी, पत्र पेटी, शिकायत पेटी, है ना, सब पेटी मिलेगा, लेकिन पाप के रखने का पेटी नहीं मिलेगा, है? और मिलेगा, ढूंढोगे तो मिलेगा। एक है गंगा में जैसे डुबकी लगाते हैं सारे पाप वही छोड़ दिए जाते हैं। दूसरा पेटी जहां शिव पुराण होता है वह सभी पाप को छोड़ा जाता है, है? और जहां सत्संग होता है वहां दान पाप का पेटी वहां मिल जाते हैं। जितने भी जीवन और पाप किए हैं सभी पाप को वहीं छोड़ा जाता है, है? इसलिए सत्संग जब भी जाए तो जितने भी हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मत्सा जो भरा हुआ है उसको वहीं छोड़ करके जाना चाहिए, है?
पाप का पेटी रखने का यही स्थान है, तीन स्थान है। और जब भी जाए तो अपने जितने भी अवगुण है उसे छोड़ करके ही जाना चाहिए। ये सत्संग का प्रभाव है।